It was at this moment that he knew. He fucked up. हेलो दोस्तों, दिस इज लिनुल्फ, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बढ़ते हैं दूसरे ब्लॉग वीडियो पे। तो पहला ब्लॉग वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक्स। तो आज हम फिर से जाएंगे बाइक राइड पे, बट कहाँ जाएंगे वो आप लोगों को बाहर निकल बताता हूँ। चलिए सीधा बाहर। चलो दोस्तों, हम आ चुके हैं बाहर एंड देख सकते हैं पीछे पूरा ग्रुप है आज जाने के लिए हमारे साथ ब्लॉगिंग करने के लिए। ऐसा अपना मास्क पहना रहे, पुलिस स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग अभी यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं राइट पे बेंगडूबी के लिए। तो हम लोग जाएंगे बेंगडूबी और वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, तो ट्राई करेंगे फॉरेस्ट के अंदर जाके कुछ ब्यूटीफुल सीन्स दिखाने का। तो जैसे कि बालासन ब्रिज रिपेयर हुआ था तो ऊपर से जाने का अलाउंस नहीं है, तो हम लोग नीचे से जा रहे हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर व्हीलर्स भी है यहाँ पे। चुके हम लोग पानी घाटा मोर एंड यहाँ से हम लोग जाना है स्ट्रेट पहुँचेंगे बेंगडूबी। तो अभी जाएंगे हम लोग फॉरेस्ट में एंड पकड़ेंगे केकरा कुछ लोकल्स के साथ। तो चलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। लड़के हैं यहाँ पे, वो लोग क्रैश करके दिखाएंगे। चलिए यहाँ पे क्रैश तो करते हैं। मछली मछली भी है शायद। नहाने आए, नहाने आए, नहा लिया। क्या बगैर रखे करा ठीक रहा केकड़ा पकड़ने के लिए। अभी तो एक भी नहीं मिला, इतना खराब मिला, एक मिला यहाँ पे। हाथ पकड़ो, हाथ देखिए, एक छोटा सा है, बच्चा है, बड़ा पकड़ना है, छोटा से काम नहीं होने वाला। शायद बड़ा केकड़ा मिला अभी यहाँ पे, देख सकते हैं हम लोग पूरा बीच जंगल में आ चुके हैं। यहाँ पे हाथी भी आता है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, फिर भी रिस्क लेना पड़ता है ब्लॉगिंग के लिए। आप देख सकते हैं भाई ने एक बड़ा केकड़ा पकड़ा भाई ने। अरे मीडियम का, बाप रे बाप, बहुत बड़ा है, आराम से पकड़िएगा। रुक रुक रुक, तेरा ऐसा नहीं मेरे पास ना। अरे फर्स्ट टाइम ऐसे पकड़े। ये देखिए थोड़ा बड़ा साइज, ये तो बहुत बड़ा है, एकदम काफ़ी बड़ा है ये। फोटो देखने में तो लगता है लड़का है, पर ठीक है चल जाएगा काम। ये देखिए काट लिया, बहुत तगड़ा काट लिया। अरे खोल इसको, अभी हम खोल देंगे। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। बच गया, छेद नहीं हुआ, पर छेद नहीं हुआ, छेद नहीं हुआ, दिखा दिया। ब्लॉग का नाम क्या है? ब्लॉग का मुझे सब्सक्राइब कर देगा। सुमित भेज देना, सुमित भेजा था हमको। अब थोड़ा और अंदर आते हैं, मतलब अंदर हराएंगे नहीं, ज़्यादा बड़ा जगह तो नहीं है। उधर भी दिखा दे। भयंकर
केकरा जैसे भाई बोल रहा है शाम को ना शाम को और रात को शाम को रात ज़्यादातर शाम को रात को बाल्टी भर के लेके जाते हैं लोग केकरा पकड़ के तो हम ही मेरा ही प्लान था बाल्टी भर के लेके जाने का पर गलत टाइम पे आ गए पर कुछ नहीं मज़ा आया जैसे ये केकरा आप क्लोज देख सकते एकदम ये रहा काटने की कोशिश कर रहा है चलिए इसको छोड़ देते हैं इसको अपना लाइफ एंजॉय करने देते हैं मजा आया छोटा ही पकड़े पर अच्छा था और काट भी लिया मुझे हाथ में तो अभी हम जाएंगे गुफा देखने के लिए थोड़ा आगे यहाँ से तो अब आगे बढ़ते हैं चलो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से क्रैप पकड़ के एंड अब बढ़ रहे गुफा की तरफ गुफा का मतलब यहाँ पे केव होता है वहाँ पे जाएंगे आप लोगों को वहाँ का व्यू दिखाएंगे यहाँ का लोकल्स मतलब कहते हैं कि रात को जाने का मतलब वो जगह नहीं है सिर्फ अभी का टाइम में जाया जा सकता है जब तक उजाला है तो अभी हम लोग जाएंगे और वो वहाँ का फ़ोटोज़ लेंगे और बहुत अच्छा व्यू है आपको देख के मज़ा आएगा तो आप इस वीडियो को देखते रहें पिकनिक स्पॉट यहाँ पे बहुत लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए एंड बहुत ज़्यादा भीड़ होता है शायद गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन की वजह से अभी बहुत कम भीड़ है यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं सब ने बाइक पार्क कर दिया चलिए अब गुफा देखने के लिए अब गुफा का टूर होगा अब थोड़ा भूतिया गुफा है चलिए अब थोड़ा तैयार हो जाए डरने के लिए बच्चे लोग ना देखें क्योंकि गुफा है जैसे देख सकते हैं अब इसके अंदर जाएंगे हम अली बाबा 40 करोड़ का गुफा तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और बोलेंगे खुल जा सिम सिम देखते कुछ खुलता है कि नहीं खुला हुआ है पहले अरे गुफा तो खुला है अंदर कुछ होगा तो खुलेगा ना तो आगे चलते हैं अब मतलब भीतर में बैक कैमरा ऑन करते हैं अब देखिए गुफा के अंदर एक इंसान दिखाई दे रहा है हमको कौन इंसान है इंसान है इंसान ही है आदि मानव है भूत से कम नहीं है आदि मानव है लगता है हमको अब आगे चलिए देखते हैं थोड़ा छुप रहे हैं डर से लगता है इस दुनिया के नहीं है कोई और दुनिया से आए हो हम लोगों को देख के अब देख सकते हैं गुफा कितना अंदर है देखिए आप थोड़ा आराम से घूमेगा अगर यहाँ से कुछ भी कुछ गिरा तो यहाँ पे तो सीधा ऊपर जाएंगे मतलब ऊपर मतलब भगवान के पास उसके बाद फिर पैदा हो जाएंगे ये है गुफा पहले ये था क्या पानी का रास्ता पहले ये पानी का रास्ता था ये देखिए यहाँ का लोकल आदमी ये लोकल आदमी है इसके टोपी खोल दिए हम ये लोकल आदमी यहाँ का क्या था यहाँ पानी का रास्ता यहाँ से पानी बता था खाली बरसते मतलब रास्ता हो गया मतलब बहुत फोर्स से बरसता होगा ना ज्यादा कंट्रोल कंट्रोल माइंड मत कीजिएगा ऐसा बात को ऐसा बात ये गजनी है ये देखिए गजनी हमारा गजनी 5 मिनट बाद भूल जाता है अभी जितना पूछना है पूछ लेते अभी इससे तो ये रहा गुफा आप देखिए आराम से गुफा को अंदर जा रहे हैं देखिए चमगादड़ बैट उट दिखाई दे तो अच्छा है चमगादड़ नहीं कौआ है कौआ है चमगादड़ नहीं कौआ है स्पाइडरमैन का घर यहाँ पे देख सकते हैं आप ये रहा स्पाइडरमैन का घर ये रहा और
और कुछ नहीं है, बैट वैट रात को आता है, बैटमैन रात को दिखाई देता है, अभी सुबह सुबह बैटमैन नहीं दिखाई देगा। अब वापस आ रहे हैं, बहुत दूर है, गुफा गहराई नाप लेते हैं, बुरा हो जाएगा। हमको जवान जाना है यहाँ से। बाइक लेके जाएगा अंदर, मेन रोड निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है ना यहाँ बाइक, यहाँ बाइक, यहाँ बाइक से जाएगा तो मसाज करते करते जाएगा, यहाँ हिलते हिलते जाएगा मसाज करते करते। बस नहीं, बहुत लंबा है गुफा, 7-3 किलोमीटर भीतर है। तो आप लोग यहाँ पे आइए, इस गुफा का मजा लीजिए आके। यहाँ पे एड्रेस बता दिया आपको, तिराना, और ये पिकनिक स्पॉट है। तो वहाँ पे आप किसी से भी पूछिए कि ये गुफा कहाँ पे है, तो आपको बता दिया जाएगा। तो बाहर निकल रहे गुफा से, बाहर निकल के नदी दिखाते हैं आप लोगों को, चलिए। तो फ्रेंड्स, गुफा देख लिए, अब यहाँ पे आए हैं, बहुत ही पीसफुल नज़ारा है यहाँ पे, आगे में नदी है। पहले बहुत ही वाइट था ये, अभी बहुत छोटा हो चुका है, मतलब बहुत ये कम गया है। जैसे पीछे देखो, इतना एरिया था पूरा पानी से भरा हुआ था ये, अभी पानी बहुत कम गया और छोटा सा हो गया है, पर पानी का फ्लो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो उतरने का तो कोई रिस्क नहीं लेने वाले, आपको सामने से ही दिखाएंगे। एंड यहाँ बैठ के ये जो नज़ारा है ना, उसको देखने में बहुत ही पीसफुल फील होता है, मतलब माइंड को अलग ही सुकून मिलता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप सब, सब आगे बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, बैठ के ये नदी का आवाज़ सुन रहे हैं, मतलब बहुत ही पीसफुल साउंड है। तो आपको आगे से दिखाएंगे अभी आके कुछ व्यूज़ बहुत सामने आते हैं। ज़्यादा गहरा तो नहीं है, पर फ्लो बहुत ज़्यादा है, इसके बीच में उतरना मुश्किल होगा, इतना ही है तो नहीं था। अब यहाँ सर आगे बढ़ते हैं, व्यू थोड़ा अच्छा लग रहा है आगे में, तो आगे जाएंगे थोड़ा। अब यहाँ से यहाँ पे पानी स्टील है थोड़ा सा, तो उसको पार किया जा सकता है, तो थोड़ा पार करके आगे जाएंगे। पानी बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत साफ है पानी यहाँ का। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना पीसफुल, कितना व्यू है यहाँ पे, बहुत ही पीस है, बहुत सुकून, बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली नेचर के साथ। पीछे बैकग्राउंड में साउंड चल रहा है, नेचुरल साउंड, एकदम वाटर का फ्लो होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से निकलते हैं, आप सीधा मिलेंगे सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी नहीं, सीधा मिलेंगे थोड़ा यहाँ से आगे निकलते चल रहे हैं। क्या बिके आड़े थे डंडा ठीक, क्या बिके ठीक ना लगा क्या डंडा, डंडा नहीं लगा तुझे was at this moment that he knew he fucked up. हमारे निहाल भाई घर के पास में और कुछ खाया जाएगा, और अपना बुढ़ापा का सारा को छोड़ देते हैं यहाँ पे। चुके निहाल का घर, अब यहाँ पे रुक के थोड़ा रेस्ट किया जाएगा, कुछ खा के फिर निकलेंगे सिलीगुड़ी के लिए। तो अब आगे मिलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बाहर, एंड अब जा रहे हैं सिलीगुड़ी, एंड बैटरी डाउन हो चुका है, तो अब आगे ब्लॉग शूट नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग।
तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए पांच।